स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो होने जा रही हमारी मारुति सुजुकी स्विफ्ट पे। इस गाड़ी को हम पूरा डेंट पेंट कर रहे हैं और गाड़ी की कंडीशन सामने से देखने में आपको एकदम क्लीन लगेगी, लेकिन ये सबसे बदतर कंडीशन में है इस समय गाड़ी। ज़्यादातर कस्टमर जो फ़ोन करते हैं रेट जानने के लिए, उनके हिसाब से गाड़ियों में काम नहीं होता है और वो गाड़ी ज़्यादातर इसी टाइप में होती हैं। हमारा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि जब कोई बताता है कि उसकी गाड़ी में ज़्यादा काम नहीं है तो काम उसमें भर भर के होता है, और लेकिन उनको रेट जानना होता है। और काफ़ी बार हम मना भी कर देते हैं, हम इसे नहीं बताएंगे, कई बार पीछे पड़ जाते हैं तो कुछ भी बताना पड़ता है और बढ़ा के ही बताना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी कंडीशन कस्टमर के हिसाब से नहीं, हमारे हिसाब से जब हम देख लेते हैं तभी हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि कितना खर्चा आएगा। अभी इस गाड़ी में आपको डेंट नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम है इस गाड़ी में वो है इसके बॉडी फ्लेयर के क्रैक। ये सबसे वर्स्ट कंडीशन होती है, सबसे ख़राब कंडीशन में होती है इस टाइप की गाड़ी, क्योंकि उसमें माल जो होता है बहुत भर भर के भरा होता है और उसको जब तक नहीं निकाला जाएगा तो वो दिक्कत आती रहेगी। और ऐसा नहीं कि जो लोग पेंट कर देते हैं बिना निकाले, तो वो भी सब कस्टमर के बजट पे डिपेंड होता है, ना कि करने वाले पे। आप पैसे नहीं दोगे वो नहीं निकालेगा, जाहिर सी बात है। और प्लस सामान भी चेंज करना पड़ सकता है इसी गाड़ियों में, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स गाड़ी पेंट हुई है, मतलब लड़ी हुई है और फिर रिपेयर हुई, फिर बनी, फिर रिपेयर हुई। आप खुद देखेंगे इस गाड़ी में कितना बॉडी फ्लर भरा है। और इस पैनल में तो हमको गरम करके निकालना पड़ा, अगर ग्राइंडर करके निकालते तो एक तो टाइम बहुत लग जाता, दूसरा डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा उड़ती, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा ख़राब कंडीशन में ये दरवाज़ा है। और डेंटिंग भी नहीं ठीक से है, इतने बॉडी फ्लर में कहाँ से डेंटिंग हो जाएगी, तो ये सब निकालना पड़ेगा। और ये कंप्लीट ग्राइंडर लग के ये गाड़ी पेंट डेंट पेंट होएगी। और प्लस इसका बोनट चेंज होगा, बोनट अभी हम आपको दिखा चुके हैं कि बोनट पे क्रैक्स भी बहुत हैं, मतलब भरा बहुत है, प्लस आगे से एक्सीडेंटल है, वो भी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। एक्सीडेंटल है, रिपेयर करने लायक नहीं है, कर देते अगर कस्टमर बदलवाना ना चाहते, तब फाइनल ऑप्शन वही बचता है रिपेयर का। लेकिन वही बात होती है कि जो नए में क्वालिटी आती है वो रिपेयर में नहीं आती है, और सामने के शो में ज़्यादातर चीज़ें ओरिजिनल लगाई जाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहता है। बोनट ही ख़राब था, बाकी बम्पर सही था, हेडलाइटें सही थी, तो इस वजह से बोनट चेंज किया गया है। इसका पिछला बम्पर भी चेंज हुआ है, दोनों टेल लाइट टूटी हुई थी वो भी चेंज हुई है, दोनों साइड इंडिकेटर ख़राब हो गए थे, पीले हो गए थे, तो वो भी चेंज किए गए हैं। आप देख सकते हैं इस गाड़ी में कंप्लीट ग्राइंडर लग के काम हो रहा है। ये डिग्गी वगैरह अगर हमने वीडियो में नहीं कवर किया है, लेकिन इसको पूरा निकाल दिया गया, जैसे ये दरवाज़ा निकाला गया वैसे डिग्गी का भी यही हाल था, बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। पल वाइट गाड़ी में जाल आने के बहुत चांसेस होते हैं पेंटेड कंडीशन में, जब मल्टीपल टाइम्स पेंट हो जाती है तो जाल जो होता है पेंट सुखड़ जाता है, तो पल वाइट में बहुत रिस्क होता है, तो कायदे से निकालना भी पड़ता है उसको अगर बहुत ज़्यादा पेंटेड हो। तो अभी लगभग 70% गाड़ी पे ग्राइंडर लग चुका है, आप फेंडर भी देख सकते हैं। अब बोनट आपको दिखा देते हैं क्यों बदला गया है, ऊपर से दो हम ग्राइंडर करके निकाल देते हैं, लेकिन ये आगे से जो देख रहे हैं आप ये लड़ा हुआ है और वो ओरिजिनलिटी आ ही ना पाती, क्योंकि बम्पर चादर में जान बची ही नहीं थी, फेंडर वगैरह में भी इतनी जान नहीं बची है, लेकिन यह है कि हम उसको डेंट करके ठीक कर देंगे। और धारे वगैरह आप देख सकते हैं हमने डेंटिंग भी कितनी अच्छी बना दी है। अभी ये सामान हम जो लेके आए हैं ये जेन्युइन मारुति का है, हम ज़्यादातर मारुति का सामान का बयाना ले लेते हैं लाने का, बाकी और कोई गाड़ियों का नहीं लेते हैं, वो इस वजह से क्योंकि मारुति का सामान सबसे आसानी से मिल जाता है और काउंटर सेल हो जाती है, ये नहीं होता है कि आपको एक हफ्ता पहले ऑर्डर लगाना है, इस वजह से हम सिर्फ मारुति का सामान ही लाते हैं, बाकी कस्टमर को जगह और दुकान बता देते हैं, तो कस्टमर की हेडेक होती है कि सामान लेके आए, ज़्यादातर हमारे यहाँ प्रोसीजर यही है। और मारुति का आराम से मिल जाता है, मारुति के ऑथराइज स्टोर बहुत हैं लखनऊ के अंदर, हुंडई वगैरह भी मिल जाता है, टाटा और महिंद्रा इनोवा, ये सब थोड़ा मुश्किल होता है, मिलता भी तो लोकल मिलता है, जेन्युइन चीज़ जो मिलनी है वो सबसे आसानी से मारुति की मिलनी है। आप देख सकते हैं हम बोनेट लेके आए हैं, तो अभी हमारा बेस वर्क चालू हो गया है, वीडियो एंजॉय करें। और हमारा दूसरा चैनल है व्लॉग का, तो उसको भी सब्सक्राइब कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वीडियो एंजॉय करें।
काफ़ी लोग ये कमेंट करते हैं कि आपने बॉडी फिलर बहुत ज़्यादा भर दिया है। अभी हमने इंडिको बनाई थी तो उसमें कई कमेंट आए थे कि बॉडी फिलर आप बहुत ज़्यादा भरते हैं। जब इस टाइप की डेंटिंग का काम होता है तो ज़्यादातर यही होता है कि नया पैनल लगाना ही बेस्ट ऑप्शन रहता है। बाकी इनको शेप देने में बॉडी फिलर लगता है। अब ज़रूरी नहीं जितना हम वीडियो में दिखा रहे हैं उतना ही भरा हो, क्योंकि काटने पर मान के चलिए 50-60% निकाल दिया जाता है उसको शेप देने के लिए, तब भी बॉडी फिलर लगता है। हम करें चाहे कोई और करे, लेकिन बॉडी फिलर लगेगा। एक्सीडेंटल पीस हो या पूरी गाड़ी पे जहाँ पे भी ग्राइंडर लगा है वो पूरा पीस भरना ही भरना है।
इसके व्हील कैप वगैरह हमने ग्लॉस ब्लैक में पेंट किए हैं। अगर आप मारुति में लेने जाते हैं तो ये 500 रुपये पर पीस के हिसाब से मिलता है ओरिजिनल जेन्युइन। हालांकि ये लोकल लगे हुए थे, फिर भी हमने इसको ब्लैक किया है। तो अगर आप नए लगवाना चाहें तो जनरल नॉलेज के लिए, तो 500 का एक पीस मिलता है। ये मान के लिए 2000 रुपये के आपको चारों व्हील कैप मिलेंगे। और तीन कलर में आते हैं, रेड, सिल्वर और ब्लैक में। अभी ग्रिल वगैरह भी हमने पूरी पेंट कर दी है ताकि गाड़ी हर तरफ से नई लगे। और अभी इंटीरियर क्लीनिंग का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए गाड़ी दिखाते हैं आपको। हम उम्मीद करेंगे आपको हमारी बनाई हुई गाड़ी पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और इस गाड़ी में काफ़ी मेहनत लगी है, लगभग इसको 16 से 17 दिन लगे हैं बनने में। 3 दिन तो खाली इसकी ग्राइंडिंग चली थी बॉडी फ्लर निकालने की, और फिर भरने के बाद जो बेस वर्क चला है वो 5-6 दिन चला है लगभग। बाकी गाड़ी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारा नया चैनल व्लॉग चैनल है और ऑटोमोटिव रिलेटेड कंटेंट है ही, हम उस पर वीडियो बनाते हैं। तो उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बिफ़ोर आफ्टर शॉट एंजॉय करें। और सामान वगैरह और इस गाड़ी का कितना चार्ज किया, वर्कशॉप एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर सब हमारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यही होते हैं कि चार्ज कितना किया और वर्कशॉप एड्रेस, तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें। तो आज की वीडियो में इतने हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही डिज़ायर भी वीडियो आने वाली है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें।